पिछले कई दिनों से बीजेपी प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की मांग कर रही थी और आज जदयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा दोनों के साथ दो आदमी भी नहीं है, ये लोग बिना पेंदी के लोटा है और भारतीय जनता पार्टी इनको ऑनरेरी डिग्री अवार्ड करती है, PhD इन मार्केटिंग प्रोपेगेंडा एंड थेथ्रोलॉजी, ये उसी के मास्टर थे और इनकी जो हैसियत थी वहाँ इनको पहुँचा दिया गया है। देखिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के लोग ये पैसे लेकर बाजार बनाने का काम करते हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं और जिस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी की, इसके पहले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पर टिप्पणी की और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी पर टिप्पणी की, वो बहुत ही शर्मनाक था, जिसके लिए प्रशांत किशोर को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, नहीं तो उनकी जो हैसियत थी वहाँ पहुँचा दिया गया है। अब प्रशांत किशोर की राजनीतिक हैसियत बिहार में तो है नहीं, अगर उनकी थोड़ी भी राजनीतिक हैसियत है तो उनका जो कोनार पंचायत है वहाँ से विनोद चौधरी जी की पत्नी मुखिया हैं, उनके खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं और जीतवा कर दिखाएं तो हम लोग मानेंगे कि उनकी कोई हैसियत भी है। क्या होगा 2020 में, कैसे चुनाव जीतेगी NDA बिहार में? देखिए, ये किसने ये भ्रम फैलाया कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये जिसका वेव होता है उसके देह पे सवार होकर अपनी बाजार बनाते हैं। ये ट्वीट करने वाला आदमी ये कैसे कह सकता है कि देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं? पहले भी इन्होंने बयान दिया था, नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों पर राज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी व्यवस्था है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये नीतीश कुमार जी को अपना टर्म्स, आइडियोलॉजिकल टर्म्स डिक्टेट करना चाह रहे थे और इनको इनकी हैसियत बता दी गई है और प्रशांत किशोर जी जैसे लोग बिहार में कोई पूछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अमरेंद्र सिंह ने पंजाब में इनको उठाकर फेंक दिया था और अब केजरीवाल के पीठ पे सवार हुए हैं, वहाँ ममता बनर्जी के पीठ पे सवार हुए हैं। देखिए, ये एक खास तरह के लोग हैं जो पैसे लेकर राजनीतिक दलाली का काम करते हैं और भाड़े के टट्टू हैं और इनको राजनीतिक मान मर्यादा तकाजा कुछ भी नहीं पता है। ये ऐसे लोगों की हैसियत राजनीति में तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब NDA के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, NDA भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या फिर लोजपा हो, ये पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर की बदौलत ये पार्टियां अपने वजूद में हैं और कैडर की बदौलत हम राजनीति में परफॉर्म करते हैं और प्रशांत किशोर जैसे जो इस तरह के लोग हैं इनसे ज़्यादा काबिल हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर उनका ज़्यादा बड़ा वजूद है। प्रशांत किशोर की हैसियत उसके बूथ पर ही नहीं है। निश्चित तौर पर बीजेपी का कहना है कि वह इस कार्रवाई से काफ़ी खुश हैं और प्रशांत किशोर के और पवन वर्मा के बाहर निकाले जाने पर NDA के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News24।